रोहतक में पूर्व सीएम हुड्डा पहुंचे, कहा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए बनाया जाए सेफ कॉरिडोर। अपने गृह जिले पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बात में अनेक मुद्दों पर अपनी राय दी। यूक्रेन और रूस के बीच भयानक युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों और छात्रों को बाहर निकालने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से सेफ कॉरिडोर बनाए जाने की मांग की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुसार यूक्रेन में अभी भी हजारों छात्र फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालना बेहद जरूरी है। हुड्डा ने हरियाणा सरकार द्वारा पेश होने वाले बजट को लेकर भी सरकार से दो टूक कहा है कि यदि बजट जनहितेशी होगा तो समर्थन करेंगे, अन्यथा सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा। अभी 8 तारीख को बजट पेश करेगी हरियाणा सरकार, अगर बजट होगा जनहित का तो उसका हम स्वागत भी करेंगे, उसकी प्रशंसा भी करेंगे, और जैसे अब तक बजट आए हैं पिछले 7 साल जन विरोधी बजट आए हैं उसका विरोध करेंगे, डट के सरकार को घेरने का काम करेंगे। हजारों छात्र तो हरियाणा के हैं, 1000 से ज़्यादा हरियाणा के अभी वहीं हैं जो नहीं निकल पाए हैं, तो सरकार को प्रयास करना चाहिए, कोई उनके लिए सेफ कॉरिडोर बनवा कर उनको जाना चाहिए। नहीं, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि ये जब 2003 में लागू की गई, मतलब जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे उस समय लागू की, हमने भी 2006 में लागू की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी थी सुविधाएं, उन्होंने कहा भाई ये मिलेगा, लेकिन तजुर्बा ये है कि ये लाभदायक नहीं है, तो इस वास्ते पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि ये कांग्रेस सरकार के राज में ये खत्म हुई थी, बताया तो है भी, और क्या बताया मैंने, उसका जवाब दे दिया ना मैंने, ये जब केंद्र में भाजपा सरकार थी उस टाइम ये बनी थी, वो तो आज भी लागू है केंद्र में, और उसकी वजह से और स्टेटों ने भी अडॉप्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे वो इंसेंटिव्स होते हैं, वो होते हैं सेंटर से मिलते हैं, सेंटर से टकराव नहीं करना था। बता तो दिया भाई, एक चीज तो करता है ये तजुर्बा, जो एक किस्म से जो हम सोचते थे भाई कर्मचारी के हित में होगा, लेकिन इस दौरान ये बात उभर के आई है कर्मचारियों की तरफ से भी, ये उनके हित में नहीं है, वो पुरानी पेंशन ही लागू करवाना चाहते हैं, इसी वास्ते राजस्थान में कर दिया। राजस्थान में तो वसुंधरा जी ने लागू की थी, वहाँ तो बीजेपी की सरकार थी जब लागू की गई, तो ये बात नहीं है। ये बात कह के जो आज फैसला लेना चाहिए सरकार को कि भाई पुरानी पेंशन लागू करें, ये फैसला लेना चाहिए, ये कहने से नहीं होता भाई ये किस समय लागू हुई, किसके समय हुई, वहाँ राजस्थान में कैसे हो गई, भाजपा के समय में ही लागू और आज अशोक गहलोत ने वापस कर दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते, यही मेरा सरकार से आग्रह है, और असेंबली में भी उठाया और उठाएंगे कि तुरंत इसको पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की, महाराष्ट्र ने कर दी। अगर हरियाणा में कांग्रेस सरकार आती है तो आप करेंगे? आते ही पहला काम